कह रहा है अ चार्ज टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टेस्ला विद वेलोसिटी मीटर पर सेकंड फोर्स बाय इट मे बी तो एक टू कुलम का चार्ज है इस पर इसको रखा गया है मूव कराया गया है वन टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में फाइव मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से तो इस पर जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है देखो मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड पर जो फोर्स होता है वो होता है कि वीबी साइन थीटा ठीक है अब जैसे जैसे थीटा बदलेगा वैसे वैसे फोर्स बदलेगा तो लेटेस्ट से कि इनिशियली जो थीटा है वो है जीरो ठीक है तो साइन जीरो जीरो होता है तो उस पर फोर्स भी कितना लग जाएगा जीरो न्यूटन का फिर उसके बाद हम मान लेते हैं कि इस पर लग रहा है जो थीटा है वो थर्टी डिग्री हो जाता है तो क्यू वी बी तीनों वैल्यू सब शूट करी साइन थर्टी साइन थर्टी होता है वन बाई टू वन बाई टू तो वन बाय टू और टू कैंसिल हो जाएंगे बचेगा क्या फाइव न्यूटन ऐसे ही हम एफ थ्री रख लेते हैं एफ़ थ्री फोर्स निकालते हैं और हम मानते हैं कि थीटा की वैल्यू नाइनटी डिग्री है साइन नाइन्टी होता है वन तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेन न्यूटन जीरो फाइव और टेन ये तीनों ही ऑप्शंस में दे रखे हैं तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नंबर फोर थैंक यू फॉर वॉचिंग